मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मम्मा अभी बहुत बिजी हैं, बिकॉज़ हमें आज आना है 2-3 जगहों पर, और अभी तो मम्मा हमारे कपड़े प्रेस कर रही हैं। इसको दिखता नहीं, बाहर ही रखा है बेटे। तो इसको लेकर रख, फिर भी हम इसका इंतजाम कर देंगे कुछ, ठीक है? अरे मैं दूसरा मार्क देख लूंगा बेटा, वहां पे जाके है मेरे पास और है। हां वो एक और है। चलो रेडी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज बच्चों को घुमाने के लिए जा रहे हैं एयरफोर्स म्यूजियम। वहाँ पर पुराने टाइम के जो भी एयरक्राफ्ट होंगे वो हमें देखने को वहाँ मिलेंगे, और देखते हैं कौन कौन से होंगे। हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ खूब सारी मस्ती धमाल भी हो गया, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती रहती हैं। तो और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब। म्यूजियम के बाहर पहुंच गए हैं। अब पूछना पड़ेगा कि पार्किंग किधर। पार्किंग हमें मिल गई है और पार्किंग में हमने गाड़ी को लगा दिया है। पार्किंग के इधर साइड पार्किंग है और रोड की उस साइड एयरफोर्स म्यूजियम है। अब रोड क्रॉस करके हमें उधर पहुंचना है। यहाँ पे क्या है? रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं, वो सब एंट्री करनी होती है ना, कौन कौन जा रहा है तो सब सिक्योरिटी पर्पस। और स्टार्टिंग होती है यहाँ से युद्ध स्मृति मार्ग से, और ये सबसे फ्रंट एरिया में बना हुआ है। आप दरवाजे से एंटर करते ही सबसे पहले राइट साइड में ये बना हुआ है, और दूसरी साइड में इधर दिखाती हूँ, दूसरी साइड दोनों साइड यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है। और ये है सिंबल एयरफोर्स का, जो एयरफोर्स के उस पर लगा रहता है। आप बैजेस वगैरह देखोगे तो उस पर हमेशा ये ईगल बना हुआ होता है। और अभी हमें लेने हैं टिकट्स, तो उसके लिए देखना पड़ेगा टिकट काउंटर किधर है। और इधर साइड में ही फूड कोर्ट है, यहाँ पे हम अपना कुछ भी खा सकते हैं पे करके। इधर गार्डनिंग वगैरह चल रही है और टिकट काउंटर है इधर, इधर से हम टिकट लेंगे। अगर टिकट के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लेज़र गाइडेड मिसाइल, और देखो एयरक्राफ्ट मीठी देखो हाँ? ये बंद है मीठी, इधर आ देखो, ये पढ़ो, ये लिखा हुआ सब कुछ। ये इस एयरक्राफ्ट का नाम है कैनबरा, ठीक है? ये 1957 से 2007 तक इंडियन एयरफोर्स ने यूज़ करा है। ये देखो कितना बड़ा है, देखा ना, सब कुछ लिखा हुआ। देखो मैं, सब लोग पढ़ लें इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको दिखा देता हूँ। ये इसकी हिस्ट्री है। हेलीकॉप्टर है, इधर आओ। सब कुछ है यहाँ पे। देखो सब कुछ है, आ जाओ। ये लोंगे वाला युद्ध जो हुआ था 1971 में, ये रहा, ये रहा, एक ये हुआ था। देखो पाकिस्तानी टैंक है, दिखाऊं आपको? ये सब पाकिस्तानी है, आओ दिखाता हूँ। ये देखो, पाकिस्तानी वाले हैं। हाँ, और ये वाले इंडिया वाले हैं। नहीं, ये सब पाकिस्तानी है। देखो ये देखो क्या लिखा हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया। किस किस ने? इस टैंक ने किया, उन गाड़ियों ने किया। और दिखाता हूँ,
देखो ये सारी चीजें जो है ये सब सेबर जेट था उनका ना, उसके अवशेष हैं सारे जो उड़ा दिए थे। देखो उस पे भी ये देखो इस पे पाकिस्तान का वो भी बना हुआ है, ठीक है। ये भी देख वो उन्होंने मार दिया था एक येरा टैंक। हाँ ये जो है वो जो दिख रहा है ना वो एयरक्राफ्ट है। वो देखो वो क्या है, उस पर उर्दू में कुछ लिखा भी हुआ है। ये देखो उर्दू में कुछ लिखा हुआ है उस पर, ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा। हाँ ये इस पर ये सारी चीज ये है जो अब तक हमने देखी। ये तो है, ये देखो उधर एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। कितना बड़ा है ये सारे, ये वैसा है जो मैंने आपको जाता है। आओ अंदर भी, अंदर दिखाता हूँ। तो ये शायद वो रडार, रडार है। हाँ मुझे पता है, मैं आई हूँ। आओ देखो इधर हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं ये मिसाइल। ये भी रडार है सोनी? नहीं ये रडार नहीं है, ये तो अंतरिक्ष स्टेशन है। देखिए ना अंतरिक्ष यात्री, मॉड्यूल ना अंतरिक्ष यात्री बना हुआ वो जा रहे हैं। ये रहा पूरा नील आर्मस्ट्रांग, एडविन, ये था मिसाइल। देखो ये फाइटर जेट, इसका नाम था मारुत। एक ये रहा देखो कितना अच्छा जहाज है। एक एक करके दिखाते हैं पहले इस तरफ से। देखो पहले एयरक्राफ्ट ही हो गया, देखो ऐसी चोंच कैसी है, चोंच। कैमरे ने भी देख लिया। ये बताओ कौन है, इधर आओ मीठी, ये बताओ कौन है। निर्मल जीत सिंह सेखो पढ़ने के पढ़ा हुआ ना, मैंने पढ़ा। देखो वहाँ पे भी लिखा हुआ बोरा कि निर्मल जीत सिंह से। देखो ये रहा एयरक्राफ्ट। हाँ तो इनको उड़ाते थे सब पहले। हाँ ऊपर का भी है, ऊपर से भी बना सकते हैं। ये रहा ना, अब ये इसलिए खाली है क्योंकि इधर से हवा पास होती थी, इंजन को ठंडा रखती थी। कितना अच्छा है का। हाँ ये देखो कितना अच्छा है ये वाला, उस तरफ वाला फिर बाद में दिखाएंगे, पहले इस तरफ वाला देखते हैं। हाँ ये मेक वो है थंडरबोल्ट, इसमें बैठते थे। देखो
ये देखो अलग ही दुनिया। लव टच नहीं करना बेटा, इधर आओ आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना बड़ा है, ये सब पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं आर्मी के, ठीक है। और ये देखो फाइटर जेट, बेटा टच नहीं करना लवी। ये देखो कितना अच्छा, ये कार्गो कार्गो जाता था इनमें। हाँ पैकेट लिखा हुआ ना उस पर भी। हाँ पैकेट मतलब ये पूरा कार्गो जाता था इसमें। ये फाइटर जेट्स उस वक्त के हैं, ये बताओ कितने पुराने पुराने हैं। ये सबसे बड़ा एरोप्लेन है, देखो सबसे बड़े पंख। ये बेटे कार्गो उठाते थे इसमें। ठीक लगा सुनी है? बहुत ज्यादा अच्छा, मेरा तो यहाँ पे जाने का ही मन। अभी हमने जो कवर किए हैं इस वाली साइड के कवर किए हैं तो तैयार था बड़ा। अभी हमने इधर के सारे एयरक्राफ्ट के किए हैं, अब हम इस वाले डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और मैं करने वाली हूँ स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है ये US-7 का पिछला भाग, ये है सुखोई SU-7, ये इसकी मिसाइल्स वगैरह। ये है MiG-21, और यहाँ है ये मिस्टीयर MK-4A। और ये हमारे वीर जवान, ये है द सॉल्ट ओरागान तूफानी, ये वाला। अब नेक्स्ट है डी हैवीलैंड वैम्पायर NF-10। बाकी डिटेल्स अभी इसके ऊपर। और ये है हॉकर हंटर, ये वाला। इस पर एक कुछ स्पेशल सिंबल भी बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और एंट्री गेट, इधर से हमने एंट्री की थी, उधर का सारा राउंड लिया था, अब दूसरा राउंड और बाहर तक उधर दूसरी साइड घूम कर आ चुके हैं। और अब और बच्चा लोग सब वहाँ पे चढ़े हुए हैं, अब मैं वहाँ से बनाऊँगी ऊपर से। ये रास्ता इधर से ऊपर जाने का, चलते हैं। यहाँ पे जो है सबकी डिटेल लिखी हुई है, ये हमारे जवान कौन सा किस जेट को, या इनकी सबकी मतलब पूरी प्रॉपर डिटेल है सबकी। और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से ओ मिठू सॉरी।
बंद है ना ये तीन सेट से। मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, हमारा ट्रिप आया था। और आपने अभी तक देखे होंगे बड़े एयरक्राफ्ट। और अब मैं आ गई हूँ म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे सारे मेडल्स वगैरह, सारी ऑल डिटेल्स एयरफोर्स म्यूज़ियम की, यहाँ पे उनका छोटा वर्जन, यहाँ पे डमी के रूम में छोटी छोटी जगह पे सारी चीज़ें लगाई हुई है, ड्रेसेस वगैरह रखी हुई है, सब कुछ आपको देखने को इस वीडियो में लास्ट तक आपको मिलेगा। बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। जहाँ पर आपको वीडियो में सारी डिटेल और आपको डीपली देखना है, वहाँ पे वीडियो को पाउज करके और जूम करके आप सारी डिटेल देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि अपने बच्चों को लेकर ज़रूर इस म्यूज़ियम में आएँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी एयरफोर्स के रिलेटेड। ये वीडियो तो 100% बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल वीडियो नहीं, ये इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड वीडियो थी। और इसमें इतनी नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो बच्चों और बड़ों को सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर एयरफोर्स म्यूज़ियम घूमने भी आइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आती हूँ।